पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में उनके पास से नशीली दवाइयां भी बरामद की हैं। पुलिस के द्वारा आरोपी सद्दाम और तैयब को गिरफ्तार करके खुलासा करते हुए जानकारी दी गई। एसओजी टीम और मुना पांडे पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। पुलिस लाइन में एसपी सिटी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मामले की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि मुना पांडे थाना इलाके में पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके बाद दो आरोपियों को नशीली दवाइयों के जखीरे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। जैसा सभी लोग विदित हैं, हम लोग पिछले काफ़ी समय से जो नशीले इंजेक्शन और इस तरह का जो अवैध कारोबार है उसको लेके हमारी सभी टीमें सक्रिय हैं। उसी के संबंध में हमारी एसओजी टीम और थाना मुड़ा पांडे की पुलिस दोनों के द्वारा एक मेडिकल स्टोर जिस पर इस प्रकार की अवैध दवाओं का, जिनका कि नशे के लिए इस्तेमाल होता है और जिसको ये महंगी कीमत पर बेचते हैं, उसकी एक बड़ी बरामदगी हुई है। ये थाना मुड़ा पांडे क्षेत्र में ये मेडिकल स्टोर है, ये लाइफ स्टार मेडिकल स्टोर, ये नवादा वाले मार्केट दलपतपुर मुड़ा पांडे पर ये अभियुक्त सद्दाम पुत्र इशरत अली निवासी सरकड़ा खास, इनका ये मेडिकल स्टोर है। ये मेडिकल स्टोर पर जो लीगली जो दवाइयाँ बेची जानी चाहिए थी उनकी बजाय नशीली दवाइयाँ अधिक मुनाफा कमाने के लिए ये इनके द्वारा बेचा जा रहा था। इनका सेल्समैन भी इनके साथ में गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम तैयब है, और इनके कब्जे से, इनके दुकान से 135 इंजेक्शन बरामद हुए हैं, डीजेसिक ब्यूप्री मेरफाइन और लगभग 2790 टैबलेट हैं, ये जो एल्प्राजोल है 0.5, 360 इंजेक्शन ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड के हैं ये, तो 510 टैबलेट हैं ये ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड, और ये दवाइयां हैं जो दर्द निवारक के रूप में या अन्य चीज़ों में सेरेटिव के रूप में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनका बिना प्रिस्क्रिप्शन के इनको बेचा जा रहा था। और विशेष रूप से जो नशा करने के आदि लोग हैं उनके द्वारा ये दवाइयां जो इनका निर्धारित मूल्य है उसे कई गुना अधिक कीमत पर अधिक मुनाफा कमाने के आशय से ये इनके द्वारा बेची जा रही थी। ये सूचना हमारे पास कई दिनों से आ रही थी, तो इसमें हमारी टीम ने जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनके साथ लेते हुए ये एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। इसमें अभी इनकी और भी जो चेन है उसको भी पता किया जा रहा है। जैसे इन्होंने बताया कि ये दवाइयाँ यहाँ कंजरी सराय क्षेत्र से किसी से लिया करते थे, तो अभी हम वो पूरी चेन को ब्रेक करेंगे कि इनकी सप्लाई कहाँ से है और किस प्रकार इनकी सप्लाई की चेन है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण सफलता हमारी एसओजी की टीम और मुड़ा पांडे पुलिस को प्राप्त हुई। कितने समय से लोग इस काम का अंजाम दे रहे थे? ये हम लोग के पास लगभग एक महीने से सूचना आ रही थी इस प्रकार की, लेकिन हम लोग सही बरामदगी के लिए प्रयासरत थे। कुछ तक जरूर उन्होंने बताया कि लगभग 6 महीने से ये लोग यहाँ पर इसकी बिक्री कर रहे थे। सर, मेडिकल संचालक भी गिरफ्तार हुई? जी हाँ, जो मेडिकल स्टोर का संचालक है उसी का सद्दाम पुत्र इशरत अली, इसकी गिरफ्तारी की गई है, और इनका जो भी लाइसेंस होगा मेडिकल का उसको भी रिपोर्ट भेज के उसे निरस्त कराया जाएगा, और साथ ही इनकी जो सप्लाई की चेन है उसमें और लोग भी शामिल होंगे, उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की। कितने पढ़े लिखे ये सामान्य रूप से पढ़े लिखे लोग हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं तो पढ़े लिखे ही लोग होते हैं ये, तो इनके द्वारा मेडिकल चलाया जा रहा था स्टोर, लेकिन जो अवैध रूप से दवाइयाँ इनके द्वारा बेची जा रही थी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।